अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। राजा अफजल सितार फिर से आप लोगों की खिदमत में हाज़िर है। पुरानी वीडियोज़ का सिलसिला जारी है और आज की वीडियो भी मई सन 1996 की है। जैसा कि आपको ये वीडियो में नज़र आ रहा है, बस खड़ी हुई है 5577 चकवाल चकबेली रूट पे चलने वाली। इसके साथ ही मैं खड़ा हूँ, मेरे कज़न खड़े हुए हैं। अब तो माशाल्लाह सारे जो हैं वो 40 साल से ऊपर की एज के होंगे। और बस के पीछे कनेक्टर खड़े हुए हैं और इस बस को चलाते थे हाजी अता मोहम्मद। ये बस ज़िला चकवाल की बहुत मशहूर बस थी 5577। इसकी बॉडी भी जो है वो भी दूसरी बसों से मुख्तलिफ थी। ये मुस्लिम बस बॉडी मेकर्स लाहौर की बनी हुई थी। और दूसरा सीन आप देख रहे हैं, इसमें बस आ रही है चकबेली की तरफ से। ये 4160 बस थी, बहुत ही पुरानी बस थी इस रूट की, और सबसे आखिरी बस भी इसी रूट की यही बस थी। इस बस को उस्ताद ज़मीर चलाते थे, जो कि रनोत्रा के रहने वाले थे, फ़ौत हो चुके हैं। ये चकबेली की तरफ से आ रही है बस। और सरकाल वाला जो पुल है उसके पास हम खड़े हुए हैं 5577 की बस के छत पर। ये आप देखें, 4160 की बस के ऊपर सवारियां भी बैठी हुई हैं और कनेक्टर भी है। ये भी सेम उसी तरह की बॉडी थी। अब ये डुडियाल की तरफ रवान दवान। मई का महीना था, गर्मियों का महीना था। और यहाँ पे देखें, उसी पुल के पास पुराने देसी तरीके से ये हल चला रहे हैं, बैलों के साथ बांध के हल। अब ये मंज़र नहीं देखने को मिलता। अब तो नया दौर आ गया है, ट्रैक्टर जो है उससे हल चलाते हैं लोग, और ये वाला काम करने वाले लोग भी नहीं रहे अब। जिस तरह की ये मशक्क़त करते थे, आजकल लोग ऐसी मशक्क़त नहीं कर सकते हैं। उस दरख्त का नज़ारा भी देखें, उसके नीचे साया है। गर्मियों का महीना था तो ये पुल के नीचे से जो पानी जाता है उधर आगे की तरफ, कढ़ाई की तरफ, उसका नज़ारा था। ये दूसरी कोस्टर आ रही है डुडियाल की तरफ से, मरहूम नायक असलम की कोस्टर थी, उस पर भी सवारियां चकबेली की तरफ जा रही है। उस वक़्त खूब रश होता था और आप हरियाली भी देख रहे हैं कि हरे भरे नज़ारा देखने को मिलता था। आप देख रहे हैं स्टार बेडफोर्ड चैनल। और ये वीडियोज़ आपको, नायाब वीडियोज़ आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगी। हो सकता है फेसबुक पे या किसी भी और सोशल मीडिया पे किसी ने कॉपी करके लगा दी हो, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये असल और वीडियोज़ जो हैं वो मेरी अपनी हैं। ये चकबेली से आगे का मंज़र है। ये चकबेली से आगे जो जोड़ियां की तरफ जाते हैं, चकबेली की तरफ ट्रक जा रहा है।
जिनकी पैदाइश सन 1996 की है, तो आज उनकी एज माशाल्लाह तकरीबन 25-26 साल होगी। अभी बस ये खड़ी हुई है इधर जोड़ियाँ के पास, जो पुल है वड़ाले के ऊपर से गुज़रता है। ये बस रावलपिंडी की तरफ से आ रही है, चकबेली की तरफ जा रही है। उधर भी बसों का अरूज होता था चकबेली रावलपिंडी रूट पर। अब अगला मंज़र आप ये देख रहे हैं, इसमें हम चकबेली शहर से गुज़र रहे हैं। अब तो चकबेली शहर काफ़ी हद तक उसने तरक्की कर ली है, रोड भी खुले हो गए हैं। अभी डुडियाल की तरफ जा रहे हैं। चकबेली में उस वक़्त सिर्फ एक ही डीज़ल पंप होता था 1996 में। से पहले चकबेली में डीज़ल पंप नहीं होता था, डुडियाल में होता था डीज़ल पंप। ये आगे बस खड़ी है डुडियाल जाने के लिए। ये इनका स्टॉप था चकबेली में। आहिस्ता आहिस्ता अब ये चकबेली शहर से निकल रहे हैं, गुडियाल की तरफ रवान दवा है। ये वो चकबेली का सबसे पुराना डीजल पंप है। अब आबादी तो इससे भी आगे पहुंच चुकी है। ये डुडियाल की तरफ से ट्रक आ रहा है। इससे आगे जाएं तो एक नया पेट्रोल पंप बना है, क्योंकि अब वो भी पुराना हो चुका है। रोड भी खुला हो चुका है चकबेली डुडियाल का। ये सरकाल वाली जो लंबी उतराई है रिनोत्रा की तरफ से जाएं तो ये उसका मंज़र है। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बटन दबाएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। ये मैं खड़ा हूँ 5577 की बस के छत पर। अभी जेठल के करीब दोबारा क्रॉसिंग हुई है, वही 41-60 बस आप चकबेली की तरफ जा रही है, डुडियाल से वापस आई है और हम डुडियाल की तरफ जा रहे हैं। उस्ताद ज़मीर जो हैं वो चला रहे थे। ठीक है, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं।